व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सामने आ रही है कि कल के पेपर का वेन्यू नहीं आया अभी तक। बहुत से बच्चों कल के 16 के पेपर के 17 के पेपर पे क्या लिखा रहा है एडमिट कार्ड पे कि वेन्यू विल बी अपडेटेड ऑन 13th में 8 PM, जो कि जा चुकी है, आज 14th में आ गई। मेरे बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे सुबह सुबह एडमिट कार्ड भेजे री डाउनलोड करके, उनने मुझे अपना एप्लीकेशन नंबर भी भेजा, पासवर्ड भी भेजा कि भैया आप एक बार चेक कर लो। मैंने VPN लगाकर भी चेक कर लिया, गूगल पे जाकर लैपटॉप से भी चेक कर लिया, सारी साइट को रीलोड करके देख लिया, बट अभी तक उनने नहीं किया। किसी बच्चे को ये अगर लग रहा हो कि सिर्फ मेरा नहीं डाउनलोड हो पा रहा है, बाकी सबका आ गया, बेटा अभी उन लोगों ने अपडेट ही नहीं किया है। कल पेपर है। अगर मान लो मैं कोलकाता से दिल्ली आया हूं, मुझे यही नहीं पता कि मैं कहां जाके रहूं। क्यों? क्योंकि मेरे को उन्होंने बताया नहीं मेरा सेंटर कहां पे, कह रहे विल बी अपडेटेड। अब मैं पूरे दिन कहां घूमूं? मैं मान लो मैं फरीदाबाद साइड पे घर ले लूं अपना, फरीदाबाद साइड ऑफ दिल्ली पे, और मेरा पेपर गुड़गांव साइड की दिल्ली में पड़ जाए, मुझे तब भी 2.5 घंटा सफर करके आना पड़ेगा सुबह सुबह, जो कि पॉसिबल नहीं है, नहीं पहुंचोगे टाइम पे। तो कितनी बड़ी ब्लंडर और बेवकूफी कर रहा है एनटीए यहां पर कि आप एक दिन पहले भी एडमिट कार्ड एक तरह से नहीं दिया इन लोगों ने। बिकॉज अगर आपने बताया ही नहीं कि कहां आना है तो एडमिट कार्ड कैसे देना हुआ ये एक दिन पहले? ये तो हमारे साथ भी नहीं हुआ था, माइंड माय वर्ड्स गाइस, हमारे साथ भी 3 दिन पहले हर बार मिल जा रहा था। एक बार वाला दी लेकिन 2 दिन पहले तक दिया था, बट ये एक दिन पहले तक नहीं दिया है। दिस इज इक्विवेलेंट टू व्हाट दे डिड लास्ट ईयर। एक दिन पहले सेंटर बदल दिया था, वो इनने किया था हमारे साथ, तो तुम्हारे साथ भी वही हो रहा है एक तरह से। सेंटर बदला नहीं बट दिया ही नहीं है ना, तुम्हारे लिए तो बदला ही है, तुम्हारे तो नया आएगा ना, तुम्हें तो पता ही नहीं कहां जाना है। तो दिस इज अगेन अ वेरी बिग ब्लंडर बाय एनटीए कि एक दिन पहले तक नहीं दिया और अभी भी कोई अपडेट नहीं आ रही है। वहां पर अभी भी ये लिखा है कि 13 मई को 8 PM को आना है। मेरे खुद के स्टूडेंट्स बहुत परेशान है, उन्होंने मुझे बहुत सारे मैसेज कर दिए, 3-4 एडमिट कार्ड सुबह से आ चुके मेरे पास। मैंने कहा चलो बच्चों आ जाएगा, घबराओ मत, बट बच्चे बहुत घबरा रहे, भैया सिर्फ मेरा नहीं आ रहा, मेरे दोस्त का तो आ रहा है, बहुत लोगों का दिखा रहा है, बट वो पहले से दिखा रहा है। आपका पहले से नहीं दिखा रहा तो आपका आएगा। अब होपफुली अब उनने 13 मई को बोला है तो एनटीए 13 मई को तो नहीं ही देगा, अपना हिसाब तो चलाते ही है वो लेट करने का, तो शायद मोस्ट प्रोबेबली आज दोपहर तक आ जाएगा। वैसे परेशान मत हो, ये नहीं होगा कि वो देंगे ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, देंगे वो, थोड़ा परेशान करके देते हैं बस, ये उनकी हैबिट है। तो मिल जाएगा, दोपहर तक मिलेगा, जैसे ही अपडेट होंगे मैं आपको बता दूंगा, चेक कर लेना और रीडाउनलोड कर लेना। अगर आपने रीडाउनलोड नहीं किया, पुराना लेके गए तो वो कैंसिल कर देंगे, वो नहीं लेंगे, वो मानेंगे नहीं कि आपका बन गया है, आपको रीडाउनलोड करना पड़ेगा बार बार, हर 2 घंटे में बच्चों रीडाउनलोड करते रहो, रीडाउनलोड करते रहोगे तो क्या पता कभी अपडेट होकर आपका मिल जाए, बिकॉज दैट इज वेरी नेसेसरी, आपका नया वाला आपके पास होना चाहिए। ओके गाइस, जैसे ही मैं आएगा आपको अपडेट कर दूंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप कोई अपडेट मिस ना करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।